ग्वालियर में खाद्य विभाग के एक छापामार दल को कार्रवाई के दौरान मसाले के गोदाम से लकड़ी का बुरादा मिला है। अमले ने शुरुआती कार्रवाई के दौरान लकड़ी का बुरादा नष्ट करा दिया है और अलग अलग मसालों के पास सैंपल ले लिए हैं। वहीं मसाला कारोबारी व बीजेपी नेता बताया जा रहा है, उसने मसाले में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट किए जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। खाद्य विभाग के अमले ने तानसेन मसाले के मैनावाली गली स्थित गोदाम पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान अमले को यहां लकड़ी का बुरादा मिला है, जिसका सैंपल लेकर उसे नष्ट कराया गया है। इसके अलावा यहां से हल्दी, धनिया, मिर्ची, खड़ा धनिया आदि के सैंपल भी लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। वहीं इस बारे में आरडी प्रोडक्ट तानसेन मसाले के संचालक राकेश गुप्ता से भी बात की गई तो उनका कहना है कि बीजेपी नेता हैं और शासन की मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि वे लंबे समय से पिसे हुए मसालों का कारोबार कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनके प्रोडक्ट में कोई मिलावट नहीं होती। उन्होंने मसालों में लकड़ी का बुरादा मिलाए जाने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि धनिया साफ करने के बाद जो कचरा बचता है वह रखा था, जिसे खाद्य विभाग का अमला लकड़ी का बुरादा बता रहा है। फिलहाल खाद्य अमले ने अपनी कार्रवाई के दौरान तानसेन मसाले के 5 सैंपल लिए, जिनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगी कि तानसेन मसाले या आरडी प्रोडक्ट के उत्पाद मिलावटी हैं या नहीं। बहुत पुराना काम है और मसाले का काम है, हल्दी, धनिया, मिर्ची बेचते पिसे हुए। अधिकारियों का कहना है कि आप उसमें लकड़ी का बुरादा मिला दें। लकड़ी का कोई बुरादा नहीं मिलाते हम, धनिया साफ कराओ, कोई 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 कलर नहीं है, कोई कलर नहीं मिला हमारे यहाँ, कोई कलर मिला है लकड़ी का बुरादा मिला नहीं, कोई लकड़ी का बुरादा नहीं, धनिया साफ किया हुआ, जो कचरा बचता है वो रखा हुआ था बस गोदाम में, वो फिकवाना था। किस नाम से है ये आरडी प्रोडक्ट तानसेन मसाले? आपका नाम? राकेश गुप्ता। कुछ शिकायत आई थी तानसेन मसाले की, जो कि दाल बाज़ार में स्थित है, तो आज हम लोग यहाँ दाल बाज़ार में जो तानसेन मसाले हैं इस पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। इसमें हमें कुछ संदिग्ध वो भी मिला है, लकड़ी का बूरा टाइप का था, कुछ लकड़ी है, तो उसको भी हमने जब्त करके नष्ट करा रहे हैं उसको। और साथ में इसके 5 सैंपल भी हम लोगों ने लिए, हल्दी, मिर्ची, धनिया, इसके अतिरिक्त खड़ा धनिया भी है और जो संदिग्ध कुछ लकड़ी का जो बूरा है उसका भी सैंपल। किस तरह से मसाले बनाते थे, किस तरह सूचना लगी है? कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के पास, हम लोगों के पास शिकायत आई थी कि कुछ मिलावट इस टाइप की चल रही है, कि कुछ उसमें मसालों में ये लोग मिलाते हैं, तो उसी आधार पर हम लोगों ने सैंपल। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।